दिए हैं। हाँ? क्या तुम सच कह रहे हो नोबिता? ये तो कमाल हो गया। सुनियो तो कभी भी अपनी चीजें तुम्हें नहीं देता। अरे ये क्या नोबिता, ये सब तो टूटे हुए हैं। हाँ वो टूटे हुए हैं सारे के सारे। ये तो बुरी बात है। तुम्हें लगता है सुनियो अपने सही खिलौने मुझे कभी दे सकता है? लेकिन उसने तुम्हें टूटे हुए खिलौने क्यों दिए? वो बात ये है। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ वो तो है, जरा इसकी बनावट को देखो नोबिता। सच में कमाल का है। लेकिन फिर उस पुराने वाले का क्या हुआ सुनियो? जो इससे पहले था उसे जियान ने कुचल दिया। क्या? ये देखो। अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब ये मेरे काम का नहीं है, मैं इसे फेंक दूंगा। क्या तुम इसे फेंक दोगे? अगर तुम चाहते हो तो तुम इसे रख लो, ये लो। क्या? लेकिन मैं इसको क्या करूँगा? मेरे इसे फेंकने से तुम्हें परेशानी थी? अरे सुनो, मेरे पास और भी बहुत सारे खिलौने हैं जो इसी हालत में हैं। तुम्हें चाहिए? एक मिनट रुको। ये लो। ये सब के सब? इन्हें ले जाओ नोबिता, वैसे भी मैं परेशान था कि इन सब का करूँगा क्या। तुम इन सब को रख लो नोबिता। मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन तुम इनका क्या करोगे? अगर मॉम ने इन्हें देख लिया तो वो तुमसे बहुत नाराज होंगी। मैं जानता हूँ। क्या तुम्हें इन सब के लिए बुरा नहीं लग रहा? हाँ? इन्हें सिर्फ इसलिए फेंक दिया गया क्योंकि ये थोड़े टूट गए हैं और चल नहीं सकते। अगर इनकी जगह हम खिलौने होते तो हम कहते हमें प्लीज ठीक कर दो। क्या हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? अरे नोबिता, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है। हाँ? The door rescue squad set. Rescue squad? हाँ नोबिता, ये देखो। क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? हाँ बिल्कुल, तुम अंदर तो आओ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ये तुम्हारे खिलौने को ठीक कर देंगे। ठीक है। अरे वाह, ये तो सच में इसे ठीक कर रहे हैं। वाह, मुझे खुशी है कि तुम पहले जैसे हो गए। लेकिन नोबिता, हाँ? ये बताओ तुम इन सब खिलौनों का क्या करोगे? हाँ? और तुम इन खिलौनों को रखोगे कहाँ पर? ये परेशानी की बात है। इतने सारे खिलौने कहाँ से आए? मैं इन सबको फेंक दूंगी। अब मैं क्या करूँ? हम इन्हें ऐसी जगह छुपाएंगे जहाँ ये किसी को दिखे ना। लेकिन ऐसी जगह कौन सी है? स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी। क्यों ना हम यहाँ खिलौनों के लिए एक शहर बना दें? खिलौनों के लिए शहर? हम यहाँ और खिलौने लाएंगे और इसका नाम रखेंगे टॉय टाउन। ये ठीक रहेगा। सही कहा। सुनिए, हम आपके रहने के लिए यहाँ पर एक टॉय टाउन बना रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ के कुछ
हैं जिन्हें आपको मानना होगा। हमसे बिना पूछे आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। आपको एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती रखनी होगी। बस इतने ही नियम हैं। चलो शिज़ुका, खिलौने लेकर आते हैं। ये खिलौना बेचारा कितना गंदा हो गया है। तो चलो कार, हम तुम्हें भी ठीक कर देंगे। तुम्हारे पास टूटे हुए खिलौने हैं जिनकी तुम्हें जरूरत ना हो? टूटे हुए खिलौने मेरे पास हैं। ठीक है, चलो। लेकिन ये उन सबका करेगा क्या? अरे क्या हुआ? मेरे हाथी को चोट लग गई। हाथी को चोट लग गई? अरे ओ, इसे टॉय टाउन ले चलते हैं, वहाँ ये ठीक हो जाएगा। टॉय टाउन? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बन गया। अच्छा है ना? हाँ। इन सब ने बहुत मेहनत की है। हाँ नोबिता, नियम के मुताबिक ये सब लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। डोरेमोन। शिज़ुका। हाँ? ये लड़की कौन है? ये पार्क में थी, इसके हाथी को चोट लग गई है। क्या? अरे वाह, मेरा हाथी चोट लग गया। मैंने कहा था ना। चलो चलकर और खिलौने लाते हैं और इस शहर को और बड़ा कर देते हैं, बहुत बड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ जियान, वो सब बच्चों से उनके टूटे हुए खिलौने ले रहा है और इकट्ठा कर रहा है। यानी कुछ गड़बड़ है। सही कहा। ठीक है, तो चलो नोबिता को ढूंढते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अरे ये तो खिलौनों का शहर लगता है। अरे नोबिता ने तो यहाँ एक मजेदार चीज बनाई है। हाँ? अरे ये तो वही रोबोट है जो मैंने नोबिता को दिया था। अभी लेता हूँ। नोबिता, सुनियो, तुम मेरे पुराने खिलौनों को इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं चाहिए थे ना? अगर मैंने इन्हें ठीक कर लिया तो इसमें गलत क्या है, बोलो। सुनियो, ज्यादा बातें मत करो, अब वो ठीक है, उन्हें वापस करो मुझे। अब तुम्हें ये नहीं मिलने वाले। ये मेरा इलाका है, समझे तुम लोग? क्या कहा? लेकिन अब ये इन खिलौनों का शहर है जियान। हाँ सही कहा। चुप रहो, तुमने इन्हें मुझसे छिपाने की कोशिश भी कैसे की? जियान, ये क्या कर रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं और कुछ ना तोड़ूं तो ये टाउन मुझे दे दो, समझे? मैं टॉय टाउन की रक्षा करूँगा। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये किसने किया? खिलौने अपने शहर की रक्षा खुद कर रहे हैं। हे तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोकोगे? वो टूट गया। मुझे माफ कर दो। बाय बाय। बाय बाय। अब वो खुश है, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। एक बात बताओ, क्या तुम सब भी अपने घर वापस जाना चाहते हो? तो भी हाँ? अगर तुम लोग अपने घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन जाने के बाद तुम पहले
पहले जैसे ही बन जाओगे, ठीक है? ओके, बाय बाय। क्या तुम वापस सुनियों के घर जाना चाहते हो? प्लीज मेरे साथ चलो मेरे प्यारे खिलौनों, मैं अब तुम्हारा पहले से भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। सच कह रहा हूँ, चलो ना।